नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सिंपल टिप्स। आज मैं बात करने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल के बारे में। मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम हिंदी में सरसों का तेल कहते हैं, उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, हमारे स्किन के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं और साथ ही साथ हमारे हेयर्स के लिए वो क्या बेनिफिट देता है, यही सब मैं आज अपने इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। पर मैं आज अपना वीडियो दो पार्ट में बनाने वाली हूँ, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में मैं आपको सरसों के तेल के बेनिफिट्स जो हमारे स्किन के लिए और हेयर्स के लिए है वो शेयर करूंगी, और पार्ट टू में मैं आपको हेल्थ बेनिफिट शेयर करूंगी। अगर मैं पूरा एक साथ आज अपने वीडियो में बताने जाऊं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप अपना पेशेंस खो देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव के साथ मेरा ये वीडियो शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्लीज क्लिक कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। आप जितना जल्दी मेरे साथ जुड़ेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी नया वीडियो पोस्ट करूंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो पहले मैं बात करने वाली हूँ स्किन के बेनिफिट्स के बारे में। सरसों का तेल सन टैन अगर हो जाता है आपको, उसको रिमूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी स्किन को लाइटन करता है। आप एक चम्मच सरसों का तेल ले लीजिए और एक चम्मच कोकोनट ऑयल ले लीजिए, दोनों का पोर्शन इक्वल होना चाहिए। एक साथ मिला के आप अपने फेस पे उसको सर्कुलर मसाज करिएगा और फिर 10 से 15 मिनट आप अपने चेहरे पे उसे रहने दीजिए, और फिर 10-15 मिनट बाद आप उसे एक अच्छे कपड़े से या टिश्यू पेपर से उसे पोंछ लीजिए। आपको फर्क तुरंत ही दिखने लग जाएगा। स्किन लाइटन मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत गोरा बना देगा, आपके सन टैन को कम करने में बहुत हेल्प करता है ये, इसीलिए आप सरसों तेल को टैनिंग रिमूव करने में यूज कर सकते हैं। सेकेंड होता है, सरसों तेल एज अ सनस्क्रीन काम करता है। सरसों तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, जो कि सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं या हार्मफुल जो रेज होते हैं उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जो भी बॉडी पार्ट सन के कॉन्टेक्ट में आ रहा है वहाँ पे आप अच्छे से लगा लीजिए धूप में निकलने से पहले, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं आपकी स्किन में और आपकी स्किन को टैनिंग होने से बचाते हैं। सरसों तेल स्किन कैंसर वगैरह से भी आपकी स्किन को बचाता है, साथ ही साथ अगर रिंकल्स वगैरह की परेशानी है, आप अगर रेगुलरली सरसों तेल अपने स्किन में अप्लाई करते हैं तो रिंकल्स को भी प्रिवेंट करता है। थर्ड होता है, आपके डार्क स्पॉट्स को फेड करने में या हल्का करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप एक चम्मच बेसन ले लीजिए, उसमें सैंडलवुड पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसे मिलाइए, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं। साथ में 2-3 ड्रॉप आप उसमें हनी मिला लीजिए और उसमें 1/2 टेबल स्पून आप मस्टर्ड ऑयल मिला लीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को आप हफ्ते में 2 से 3 बार कोशिश करिए अपने चेहरे पे लगाने की। लगाने के बाद 15 से 20 मिनट आप रखिए और फिर नॉर्मल वाटर से आप वॉश कर लीजिए। ये हेल्प करता है आपके डार्क स्पॉट्स जो भी स्किन में होते हैं उसे रिड्यूस करने में। सरसों तेल हेल्प करता है आपकी स्किन में अगर रैशेज या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको प्रिवेंट करने में और ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। अगर आप रेगुलरली सरसों तेल का मसाज अपने स्किन में या बॉडी पार्ट में कहीं पे भी करते हैं, आपको रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि सरसों तेल में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, साथ ही साथ एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। इस वजह से सरसों तेल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी स्किन में किसी भी टाइप का इरिटेशन, इन्फेक्शन या फिर रैशेज वगैरह होते हैं उसको रिड्यूस करने में या ट्रीट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनाता है। आपके फटे होठों के लिए भी सरसों तेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि नाभि में तेल लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसी तरीके से मैं उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में शेयर कर दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मस्टर्ड ऑयल को अगर अपने नाभि में 2-3 ड्रॉप्स अगर आप रेगुलरली रात को सोने से पहले लगा के सोते हैं तो आपके लिप्स को क्योर करने में या जो आपके फटे लिप्स रहते हैं या चैप्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लिप्स, उसको रिड्यूस करने में, उसको ट्रीट करने में बहुत हेल्प करता है। आपके होंठ अगर बहुत ज़्यादा फटे हुए हैं
आप 2 दिन लगा के देखिए, 3rd डे ही आपको फर्क दिख जाएगा। आपके लिप्स बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, उनमें पिंकिश कलर आ जाता है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सरसों के तेल को आप अपने बालों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट होता है उसमें से, अगर सफेद बाल से बचना चाहते हैं आप, तो सरसों का तेल एकदम रामबाण इलाज होता है। सरसों के तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो कि आपके बालों को सफेद होने से बचाता है। अगर आप उसे यूज करते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करने से पहले, ओवरनाइट रख लीजिए और फिर आप नेक्स्ट डे जैसे शैम्पू करते हैं वैसा ही आप शैम्पू कर लीजिए। आप एसेंशियल ऑयल्स जो भी अपने बालों में अप्लाई करते हैं उसकी जगह पे आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, या फिर उनके साथ ही आप सरसों के तेल को मिला के यूज कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ज्यादा पंजेंट सा स्मेल होता है जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता। तो आप जो भी एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं उसके साथ अगर मिला के आप लगाएंगे अपने बालों में, तो उतना ज्यादा उसका स्मेल नहीं रहेगा और आप उसे लगा पाएंगे। सेकेंड होता है, अगर आपको हेयर ग्रोथ, बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ चाहिए, लंबे बाल चाहिए, तो उसके लिए भी मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा होता है। मस्टर्ड ऑयल में मैंने जैसे कि आपको बताया, उसमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही साथ कैल्शियम, आयरन और फैटी एसिड्स भी होता है, जो कि आपके बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ सरसों के तेल में बीटा कैरोटीन होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, और जब भी हम स्कैल्प में इसको अप्लाई करते हैं, ये हमारे बालों को नरिश करता है और हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। 3rd होता है, सरसों का तेल हेयर फॉल से भी बचाता है। अगर आप सरसों का तेल यूज करते हैं तो आपके हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। 4th होता है, डैंड्रफ या स्कैल्प में कोई भी टाइप का इरिटेशन या इचीनेस वगैरह होता है उससे बचाता है, क्योंकि सरसों के तेल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से अगर आपके बालों में डैंड्रफ वगैरह है या आपके स्कैल्प में किसी टाइप का इरिटेशन है या रैशेज वगैरह हो गए हैं, तो अगर आप सरसों तेल लगाते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसे रिड्यूस करने में, उसको ट्रीट करने में। मैंने आपके साथ एक मास्क भी शेयर किया, जिसमें मैंने दही और मस्टर्ड ऑयल को मिला के एक पेस्ट बनाया। आप इसे यूज कर सकते हैं अपने हेयर्स में हफ्ते में 1 से 2 बार, जैसा आपको टाइम मिले वैसे ही आप यूज करिए। ये बहुत ज़्यादा आपके बालों को मॉइस्ट बनाता है, साथ में एक शाइन ऐड कर देता है आपके बालों में, और दही हेल्प करता है किसी भी टाइप का डैंड्रफ, इचीनेस वगैरह ये सब रहता है उसे रिड्यूस करने में। इसीलिए आपको अगर आपके बाल बहुत अच्छे चाहिए तो आप सरसों के तेल को यूज़ करके देखिए, देख सकते हैं आप सरसों के तेल के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप इसे अपने स्किन पे अप्लाई करने की कोशिश करिए, साथ ही साथ बालों में लगाइए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये बहुत अच्छा बनाते हैं आपकी स्किन को और हेयर्स को। इसलिए आप ज़रूर सरसों के तेल को यूज़ करने की कोशिश करिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगी और आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ बनाती रहूँगी। और 2nd पार्ट को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मस्टर्ड ऑयल के क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं।